हेलो एवरीवन, वेलकम टू चटपटे स्नैक्स। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुकी हूँ कढ़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है, क्योंकि आज मैं इस रेसिपी की एक ट्रिक बताऊंगी जिससे जो आपके पकौड़े हैं ना वो हमेशा सॉफ्ट बनेंगे, कभी भी आपके पकौड़े ऐसे टाइट वगैरह नहीं बनेंगे। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो मैं तो इसे खाती हूँ चावल के साथ। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, नान, किसी के भी साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया, बाउल में डाल देंगे 1 कप दही। ध्यान रखें, दही की क्वांटिटी हमें अच्छी खासी रखनी है, तभी हमारी जो कढ़ी है ना वो हल्की सी खट्टी बनेगी, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे ले लिया है विस्कर। आप चाहें तो इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बीट किया है विस्कर की मदद से। तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से ना बीट कर लेते हैं, क्योंकि दही है ना बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए दही में, एकदम रायते वाली कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। तो चलिए अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 कप बेसन, लेकिन डायरेक्ट पूरा बेसन ऐसे ही नहीं डाल देंगे, एक एक चम्मच करके हम यहाँ पे बेसन डालते जाएंगे। तो 1 चम्मच बेसन डाला, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक एक चम्मच करके इसीलिए डालेंगे क्योंकि हम अगर एक साथ पूरा बेसन डाल देंगे ना यहाँ पे तो बहुत सारे लम्स हो जाएंगे और हमारी कढ़ी में भी फट भी जाए, तो इसलिए हम इसे बिना लम्स के बनाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1-1 चम्मच करके डालते गए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए, यहाँ पे जो सारे लम्स हैं वो चले गए, हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत ही स्मूथ है। तो चलिए अब डाल देते हैं 1/2 टीस्पून नमक, साथ ही में डाल देंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक। टर्मरिक की क्वान्टिटी 1/2 टीस्पून इसलिए रखी है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा येल्लो कलर देती है। तो चलिए अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे इसमें पानी। तो हमने यहाँ पे लगभग 1 ग्लास यानी कि 3-4 कटोरियाँ पानी ले लिया है। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो इसे एकदम हमें छाछ जितना पतला बना लेना है। तो चलिए, सारा पानी डाल के अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करके तैयार कर लिया है। तो मैं आपको इसको एक बार इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थिन है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने यहाँ पे हमारा पैन रख दिया है। पैन में अब डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा यहाँ गर्म हो जाएगा, हम यहाँ डाल देंगे 1/2 टीस्पून हींग। अगर हमने यहाँ पे बेसन यूज़ किया है तो हींग तो हमें यूज़ करनी है। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे डाल दी मेथी दाने। हल्का सा इसे फ्राई करेंगे और डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ बैटर। अब इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पकने देंगे और अब यहाँ पे डाल देंगे हम यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाला, रेडीमेड नहीं यूज़ किया हमने यहाँ पे। साथ ही में डाल दिया बारीक कटा हुआ प्याज। ध्यान रखिए, बारीक लंबा कटा हुआ प्याज डाला है हमने यहाँ पे। चलिए अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कटोरी पानी। अब हमें इस बैटर को ना अच्छी तरह से बॉईल होने देना है, लगभग 9 से 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। ध्यान रखिए, लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे बॉईल होने देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, ये जब तक बॉईल हो रहा है तब तक हम यहाँ पे पकौड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लिया हमने यहाँ पे। बाउल में डाल देंगे 1/2 कप बेसन। तो हम जो है ना कढ़ी में पकौड़े बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, क्योंकि पकौड़े की कंसिस्टेंसी हमेशा कम रहती है, क्वांटिटी हमेशा कम रहती है और कढ़ी की ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको ज़्यादा पकौड़े पसंद है तो आप यहाँ पर ज़्यादा पकौड़े बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत कम पकौड़े बनाए हैं। तो हमने यहाँ पर नमक हल्दी डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। ध्यान रखें, एक साथ सारा पानी ना डाल दें, नहीं तो पकौड़े की कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा मोटी है। अब हमने यहाँ पे डाल दिया 1/4 टीस्पून जितना सोडा, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अगर आप ऐसे पकौड़े बनाएंगे ना तो ये पकौड़े कभी भी टाइट नहीं बनेंगे, हमेशा एकदम स्मूथ बनेंगे। तो चलिए अब चलते हैं पकौड़े बनाने। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रख दिया है पैन, इसमें डाल दिया ऑयल डीप फ्राई करने के लिए।
अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो गया है ना, हम यहाँ पे डालते जाएंगे हमारे पकौड़े। तो ध्यान रखिए, ऑयल एकदम गर्म हो जाए उसके बाद ही हम यहाँ पे पकौड़े डालना स्टार्ट करेंगे। अब पकौड़े जब एक साइड से फ्राई हो जाए ना, तो हम इसे पलटा लेंगे और इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसे फिर से एक बार पलटा लेंगे और ये लीजिए, जो हमारे पकौड़े हैं ना, वो बन के एकदम तैयार हैं। इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। अब चलते हैं हम फिर से हमारी कढ़ी की तरफ। तो हमारी कढ़ी भी अच्छी तरह से बॉईल हो ही रही थी और आप देख सकते हैं इसका कलर में कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। 9 से 10 मिनट ही अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पे बॉईल हुई है, तो इसका कलर एकदम येलोइश हो गया है। तो अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से 1 मिनट तक बॉईल होने देंगे। एक से दो मिनट बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे हमारे तैयार किए हुए पकौड़े। तो गाइज़, अभी आपको पकौड़ों की साइज़ थोड़ी छोटी लग रही होगी, पर जब ये कढ़ी में जाते हैं ना, तो ये अपने आप फूल जाते हैं और इनकी साइज़ बड़ी हो जाती है। तो चलिए, अच्छी तरह से पकौड़ों को भी अब इसमें 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि पूरी कढ़ी का फ्लेवर पकौड़ों के अंदर आ जाए। तो आप देख सकते हैं पकौड़ों की साइज़ भी बड़ी होती जा रही है। अब 1 से 2 मिनट बाद फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे धनिया पत्ती और हमारी जो कढ़ी है वो तैयार है। बस अब हम इसमें लगाना है तड़का। तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया है एक पैन। पैन में डालेंगे घी। तो यहाँ पे घी का तड़का लगाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इसलिए आप चाहें तो ऑयल का तड़का भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी डाल के उसका तड़का लगाया है। साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 2 खड़ी लाल मिर्च। इसे अच्छी तरह से हल्का सा फ्राई कर लेंगे और अब यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे देगी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब इस लाल मिर्च को डाल देंगे हम हमारी कढ़ी में और ये लीजिए, ये हमारा तड़का पूरा लग के तैयार है। अब हम इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। तो बस अब कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ और इसे कर देंगे सर्व। तो हमारे जो कढ़ी पकौड़े हैं वो बनके एकदम तैयार है। आप चाहें तो इसे रोटी, चपाती, नान, तंदूरी रोटी, जीरा राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, साथ ही में आपने देखा कि बन कितनी ईजीली ये बन जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस कढ़ी पकौड़े की रेसिपी को घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ में अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।